अपने बेबाक बयान और अलग अलग अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल पर जमीनी विवाद में दबंगई करने और मारपीट का आरोप लगा है। विधायक जी के दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद मारपीट में घायल जीरो माइल के बरारी मोहल्ला निवासी धनंजय यादव ने बरारी थाने में विधायक और उनके गुर्गों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए आवेदन में धनंजय यादव ने लिखा है कि उनकी जमीन सबौर अंचल के बरारी मोजा में है, जमीन रजिस्ट्री केवाला से खरीदी हुई है एवं सुलोचना देवी एवं संजय यादव के नाम से सभी कागजात उपलब्ध है। सुलोचना देवी मेरी माँ है एवं मेरी माँ जीवित है। हमारे जमीन पर हमारे गोपाल जी द्वारा, गोपाल मंडल विधायक नगछिया गोपालपुर के द्वारा हमारी जमीन को नापी कराया जा रहा था। हमारे आदमी ने वहाँ से फोन किया कि आपकी जमीन को नापाया जा रहा है, तो मैं वहाँ जब जमीन पर आया तो गोपाल बाबू ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने किया और बताया कि ये जमीन हमारी है, अगर आपके पास कागज दिखलाइए। मैंने उनको कागज दिखलाया, अपना सभी दिखलाया, तो वो बोला कि नहीं, ये जमीन हमारी है, मैं भूमाफिया हूँ, उसके लिए आपको जो करना है कीजिए, और हमारे साथ मारपीट की। और किस प्रकार का वो बात बोल रहे थे? और भद्द गाली दे रहे थे कि हम देख लेंगे, आगे भी देख लेंगे, फिर दोबारा आएंगे, दोबारा चले तो अगली बार आपकी मार देंगे। वो जमीन आपकी है? जी, हमारी अपनी सब पर्सनल जमीन है, हमारे केवाला के द्वारा खरीदी हुई जमीन है हमारे माता के नाम। तो उन्होंने इसे ये मारपीट किया, तो मैं सर यहाँ आया, हमारे सभी आदमी लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? हम सर अपने अकेले घायल हुए सर। वहीं देर रात का पक्ष हेतु फोन से प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें कि गोपाल मंडल इससे पूर्व भी कई बार दबंगई दिखा चुके हैं। उस समय पूर्व भी बांका जिला में किसी जमीन को लेकर दबंगई दिखाने गए थे, लेकिन उस जमीन के मालिक के पक्ष में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने विधायक को ही अपने कब्जे में ले लिया था। तब किसी तरह गोपाल मंडल ने अपनी जान बचाई थी। सत्ता के मद में चूर विधायक जी सुशासन की सरकार की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर भागलपुर के सिटी एएसपी शुभम आर्य ने मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अभी उसमें दोनों तरफ की जो पार्टी है उन्होंने अपने आवेदन दिए है, और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका मूल आधार जमीनी विवाद है, तो उसमें जो केस रजिस्टर होंगे उसके बाद में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें जांच अभी होनी बाकी है, जैसे जांच होगी उसके बाद में हम सीओ के साथ में मिलकर, मतलब एक तरह से सिविल साइड से भी भू विभाग होगा वो भी, और थाना भी उसमें ये देखेगा कि क्या आपराधिक हो रहा है, उसमें एंगल रहा है, और उसमें जमीन का मामला किसके फेवर में जाता है, उसके हिसाब से भी लड़ाई किसने शुरू की, वो सब हम संकलन करेंगे। उसमें साक्ष्य संकलन केस दर्ज हो रहा है, केस उसमें दर्ज होंगे। किस थाने में? बड़ाई थाने में केस दर्ज होने, अभी एक हुआ भी है और दूसरा भी एक उसका आवेदन आया काउंटर केस जी।